मैं हूँ आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। ऊर्जा जनपद बुलंदशहर में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। जनपद बुलंदशहर के ऊर्जा नगर पालिका से भाजपा उम्मीदवार अंजना सिंघल को विजेता बनाने के लिए खुद गौतम बुद्ध नगर सांसद महेश शर्मा, ऊर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह मैदान में उतरे। ऊर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह ने नगर पालिका उम्मीदवार अंजना सिंघल के समर्थन में निकाली बाइक रैली। विधायक सांसद के जोश भरे अंदाज की ऊर्जा की जनता हुई कायल। आम लोगों ने पालिका उम्मीदवार अंजना सिंघल और सांसद विधायक को दिया जीत का आशीर्वाद। पेश है बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। पार्टी ने नगर पालिका चेयरमैन मेयरों के चुनाव पार्टी के सिंबल पर और पूरी संजीदगी से लड़ाई कर रहे हैं और उसके पीछे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, योगी जी का सुशासन और जिस तरह से अपने क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया है, आज पार्टी ने बहन अंजना सिंघल जी के रूप में एक ऐसा प्रत्याशी दिया है जिनका बेदाग उनका चेहरा है, कोई उन पर किसी तरह का आरोप नहीं है और एक समाज सेवी के रूप में, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में, स्वयंसेवक के रूप में एक ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया है। इनकी जीत निश्चित है। आप देख रहे हैं कितना जोश है लोगों में अपने इस कार्यकर्ता अंजना सिंघल जी, जिनके पति भाई भगवान दास जी हमेशा से ही सामाजिक गतिविधियों में, धार्मिक गतिविधियों में हमेशा आगे बढ़कर काम करते रहे। देखिए आज शहर नहीं, पूरा देश भगवान लहरा रहा है, पूरा प्रदेश भगवान लहरा रहा है, यही हमारी पहचान है, यही हमारी जीत। देखिए लोगों का योगी जी मोदी जी की नीतियों में और हमारे लोकल प्रत्याशी भाई भगवान दास सिंघल जी के प्रति उनका प्यार, उनका सम्मान, यही कारण है इतने जोश का।